मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन लेक्चर नंबर 4। अब तक हम जो करते आ रहे थे, मैं एक बार उसके बारे में बता रहा हूँ तुम्हारे को। हमने 6th, 7th, 8th क्लास में जो किया, हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे नेचुरल नंबर को। हमने 6th क्लास में सीखा नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, होल नंबर को। 7th क्लास में इंटीजर्स को, 8th क्लास में आके धीरे धीरे हमने रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा। अब हम 9th क्लास की बात करते हैं तो हमारे सामने आता है इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। फॉर एग्जांपल रूट टू है, रूट टू इज द इरेशनल नंबर। इसी तरह से रूट थ्री, रूट फाइव, सारे के सारे क्या होंगे? इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी प्राइम नंबर का रूट होता है तो वो इरेशनल नंबर होता है। टू इज द फर्स्ट प्राइम नंबर एंड इवन प्राइम नंबर, और यहाँ पे रूट भी दिया गया है। तो हम रूट टू को रिप्रेजेंट करेंगे और रूट थ्री को रिप्रेजेंट करेंगे। इससे तुम्हारी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और तुम्हारे को रिप्रेजेंट करने का तरीका पता चल जाएगा और तुम आराम से सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पाओगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को करना क्या है, हमें रूट टू को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो हमें नंबर लाइन तो चाहिए, जरूरी है, वो तो नेसेसरी है हमारे लिए। तो हमने ले ली एक नंबर लाइन, ये ले ली हमने नंबर लाइन। इस नंबर लाइन के ऊपर मैंने नंबर्स ले लिए 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। तुम सभी जानते हो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज माइनस एक्स एक्सिस। अब हमारे को यहाँ पे मैंने इस जीरो वाले पॉइंट को ए ले लिया और इस पॉइंट को मैंने बी ले लिया। मैंने इस कंप्लीट डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरे बच्चे, ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है, मैंने इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को मैं रूट टू रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी हेल्प से करूंगा। मैंने इसको ले लिया 1 यूनिट डिस्टेंस, इसको मैंने ले लिया 1 यूनिट डिस्टेंस। ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है, ये पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी रो, जीरो से लेके और वन तक का डिस्टेंस है, ये ए टू बी का डिस्टेंस है ये। अब अगर हमारे को रूट टू को रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री बनाएंगे। अगर हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो आप सभी को ड्रॉ करना आता ही है। ये हम एक आर्क लगाएंगे, ये दोबारा से हमने आर्क लगाए और लिखना होगा। अगर हमारे को कंस्ट्रक्शन लिखनी होगी तो हम बोलेंगे ड्रॉ ए आर्क एट पॉइंट बी। हमने एक आर्क ड्रॉ की पॉइंट बी से। फिर हमने दोबारा से क्या किया, यूजिंग अगेन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क, जो पहले वाली आर्क थी उसको इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे ये हमारे सामने क्या आ गया, ये 90 डिग्री का एंगल आ गया बी पॉइंट के ऊपर। और इसको हम आगे ले जाएंगे, ये ले लिया हमने। हमने सबसे पहले यहाँ पे बनाना है मेरे बच्चे 90 डिग्री एंगल। फिर उसके बाद क्या करना है, अब देखो ये 1 यूनिट डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस इसका मेजरमेंट करो। ये देखो मैंने मेजरमेंट कर लिया इसका, ये डिस्टेंस सेम हो गया यहाँ से लेके और यहाँ तक। एक बार दोबारा से देखो, यहाँ से लेके और यहाँ तक। और इसको बी पॉइंट से जो 90 डिग्री वाली लाइन थी उसको इंटरसेक्ट कर दो। अब जहां पे ये इंटरसेक्ट हुआ है उस पॉइंट को नाम दे दो सी, ये पॉइंट, दिस पॉइंट। और इसको यहां से मीट कर दो दोनों को, पॉइंट ए को और पॉइंट सी को, मीट पॉइंट ए एंड सी। ए सी इज द रूट टू यूनिट, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 1 यूनिट बिकॉज 1 यूनिट एंड 1 यूनिट। ये डिस्टेंस भी बी से लेके सी का डिस्टेंस भी क्या होगा, 1 यूनिट।
ये हमारे को रूट टू रिप्रेजेंट करना आ गया। यहाँ पे इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और हम इसको फिर क्या लिखेंगे, रूट टू रिप्रेजेंट।